दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक गांव शाहबेरी में दो इमारतें ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे के बाद से एनडीआरएफ की पांच टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। यहां मलबे से बरामद हुई तीन लाशें उन मजदूरों की हैं जो हादसे वाली निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मलबे में दबे लोग भी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य हैं, जो निर्माणाधीन बिल्डिंग के ठीक बगल वाली एक पुरानी इमारत में रहते थे। एनडीआरएफ की टीमों ने जिंदा लोगों की तलाश के लिए स्निफर डॉग्स की मदद ली है, लेकिन दबे लोगों के जिंदा होने के संकेत नहीं मिले हैं। शाहबेरी गांव में यह हादसा बीती रात तकरीबन 8:30 बजे हुआ, जब 6 मंजिल की एक निर्माणाधीन इमारत ठीक बगल में खड़ी 4 मंजिल की एक पुरानी इमारत पर गिर गई और वहां अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे के कुछ चश्मदीद भी हैं। अंदर कम से कम 6 फैमिली रह रही थी, 6 फैमिली रह रही थी। 6 फैमिली होने के बाद में जैसे बच्चे भी थे और 2 तो शिफ्ट होने वाले थे, आज मुहूर्त करा था उन्होंने, 2 तारीख को आने वाले थे सब इसमें। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने रात में ही मौके का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि आरोपी बिल्डर को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत अवैध तरीके से मानकों को दरकिनार करते हुए और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से खड़ी की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।